इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही, वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो, 1 मिनट तो मैं एक सलूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ, जल्दी तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ कुछ मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, हाँ तो पड़ोसन उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए, कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं? किस तो पड़ोसन को? हाँ क्या मरवाएगा क्या? नहीं नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अब तो उसके घर पे जाएगी, तुम महाभारत का हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभाली अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही है। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए। भाई साहब, अरे तो सीधे सीधे बोल रहा हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमन मैन। अरे बी अ वन वुमन मैन, चलो फोन रखो। गलत आदमी, पहले सुन के तो बड़ा रहा है। रख दे फोन, रख दे। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोले, रेड FM बजाते रहो। हेलो।